बंगाल का जो हालत हालत है आपका क्या राय है? देखिए, पश्चिम बंगाल एक समय में भारत का एक सामर्थ्यवान राज्य हुआ करता था, भारत का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। लेकिन पिछले कई सालों में जिस प्रकार की राजनीति आ रही उसके कारण पश्चिम बंगाल की हालत खराब हुई। हम जिस स्वर्णिम बांग्ला की कल्पना करते थे, सोनार बांग्ला की कल्पना करते थे, उसका सोना लूट लिया गया और बंगाल को कंगाल बनाने का काम यहाँ की पार्टियों ने, विशेष रूप से पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में TMC ने किया। अब बंगाल को परिवर्तन की आवश्यकता है और ये परिवर्तन बंगाल को भारतीय जनता पार्टी देगी। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा, एक नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आएगी। आप तो सीएम थे, लॉ एंड ऑर्डर हालत यहाँ की, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब है और विशेष रूप से यहाँ लोकतंत्र कई नजर नहीं है। लोकतंत्र पर एक प्रकार से ये धक्का तंत्र हावी हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिस प्रकार से पीटा गया, जिस प्रकार से हत्या हुई, ये डंडा तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। सर, महाराष्ट्र का बाल ठाकरे सरकार और यहाँ का बंगाल का ममता सरकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, वहाँ पर भी अभी जो सरकार चल रही है वो लोकतंत्र को मानते नहीं है, विचारों को रखने नहीं देती। वहाँ पर भी कोई अपने विचार रखने की कोशिश करता है तो उस पर केस दर्ज किया जाता है, वही स्थिति बंगाल में भी है। अभिषेक बनर्जी का जो मिसेस का जो CBI ने तलब किया है पूछताछ करने के लिए, आपका क्या राय है यहाँ पर करप्शन? ये सीधी बात है कि एजेंसी अपनी काम करती है और एविडेंस के ऊपर काम करती है। एजेंसियों को जो एविडेंस उपलब्ध होता है उसके आधार पर वो काम करते हैं। अगर कहीं चोरी हुई है तो एजेंसी का एक काम है कि उस चोरी को वो पकड़े, वही काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।